नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। ब्रिटेन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और सीधे बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक, उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर मंथन हुआ, जहां लोकसभा की 14 हाजीपुर सीटों पर मंथन हुआ है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा, अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान इस बैठक में शामिल हुए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। बैठक में एमएलसी चुनाव को लेकर भी चर्चा। तो देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें 14 हारी हुई लोकसभा सीटों को लेकर मंथन हुआ, चिंतन हुआ, जहां पर तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता है, यानी कि एक तरीके से कहा जा सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व इस बैठक में मौजूद रहा और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें कि लोकसभा की 80 सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश में है, इनमें से 62 सीटों पर कमल खिला था 2019 के लोकसभा चुनाव में। उसके साथ ही सहयोगी अपना दल एस को 2 सीटें मिली जो भाजपा में चले गए थे। उसके बाद अगर सपा बसपा की बात करें तो उनकी स्थिति और कांग्रेस की स्थिति 2019 में उतनी अच्छी नहीं थी। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता उमंग पांडे जुड़ गए। उमंग, लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक से क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई? ये रुपमा, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आज दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेश सिंह चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत भाजपा के कई अन्य बड़े नेता जो थे वो मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में जो पूरी बैठक है ये संपन्न हुई है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए आज की जो बैठक थी वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यूपी में है। तो ऐसे में 2019 के लोकसभा चुनाव में जो सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई थी, उन सीटों पर इस बार कमल का फूल खिलाने के लिए जो एक बड़ा मंथन है वो आज दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में हुआ है। आगे की रणनीति जो है वो भाजपा के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों और नेताओं ने मिलकर तैयार किया है कि कैसे किस तरह से ज्यादा लोगों से कनेक्ट करें, इसके साथ ही विपक्ष का जो वोट बैंक है उसको किस तरह से भाजपा सरकार की नीतियां समझाकर अपने पाले में लाएं। इन्हीं सब चीजों को लेकर आज एक बड़ी बैठक जो है वो दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में हुई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव को लेकर जो तैयारियां है वो भी लगातार आगे बढ़ाई जा रही है, हालांकि अभी तारीख नहीं आई है। एमएलसी चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जीत सकती है, इन्हीं सब चीजों को लेकर जो आगे की रणनीति है वो तैयार की गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने तरह तरह के अभियान चला रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भाजपा सरकार की जो नीतियां हैं और विचारधारा है वो पहुंचाया जा सके। और इसी क्रम में तमाम जो कार्यकर्ता है वो लगातार ज्यादा से ज्यादा लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई जो बड़े स्टार प्रचारक हैं, इसके साथ ही कई केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के कई कैबिनेट मंत्रियों की जो ड्यूटी है वो जिलेवार लगाई गई है। ज्यादा से ज्यादा जो नेता है, जो भाजपा के पदाधिकारी है, उनको निर्देश दिए गए हैं केंद्रीय नेतृत्व की ओर से ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट करें, संवाद करें। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों की ओर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो रुख कर रही है। भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनके कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कनेक्ट करें। मोदी सरकार की, केंद्र सरकार की, डबल इंजन सरकार की तमाम जो भी नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उनसे लोगों को कितना लाभ होता है, इन सब चीजों को लेकर जो जानकारी है वो पहुंचाई जा रही है, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि 80 में 80 लोकसभा सीटें जो है वो इस बार बीजेपी जीतने जा रही है, इन सब चीजों को लेकर लगातार संचलन हो रहा है। इसके साथ ही अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने भी सहयोगी दल हैं वो सभी मजबूती के साथ लगातार जो प्रचार प्रसार अभियान है वो आगे बढ़ा रहे हैं, और मुख्यतः जो इस बार फोकस देखा जा रहा है वो नए वोटर्स के ऊपर रखा जा रहा है। इसके साथ ही भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से भी तमाम अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं, ताकि जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि इस बार पीडीए जो है वो एनडीए का यूपी में एक बड़ा नुकसान करने जा रहा है, तो ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को लुभाने के लिए भी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से लगातार कई ऐसी योजनाएं हैं जो चलाई जा रही है, कई ऐसे कार्यक्रम है जो चलाए जा रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की ओर मुड़ रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात करें पिछड़े और दलितों का जो एक बड़ा वोट बैंक उत्तर प्रदेश में जो कि काफी मायने रखता है, जो कि अभी तक बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा रहता था, तो ऐसे सभी लोगों को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार तमाम तरह के जो अभियान है वो चलाए जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो पहुंचकर कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि जमीनी स्तर पर भाजपा को और उत्तर प्रदेश में मजबूत किया जा सके। इसके साथ ही आगामी जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें विपक्ष का खाता उत्तर प्रदेश में खुलने ना दिया जाए। ये अनुपमा जी, बिल्कुल उमंग, तो देखा जा सकता है कि हर वर्ग को साधने के लिए और उसके साथ ही डबल इंजन की सरकार के फायदे के
किस प्रकार से आम जनता तक पहुंचाई जा सके, 80 की 80 लोकसभा सीटों पर किस प्रकार से जीत हासिल की जा सके, उसको लेकर इस बैठक में चिंतन मंथन हुआ है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की, तो देखिए सपा और कहीं ना कहीं कांग्रेस में दोनों ही पार्टियों में उत्तर प्रदेश में सीटों को लेकर बंटवारा हो चुका है। अब ऐसे में हमने देखा कि घोसी विधानसभा सीट पर जब उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, तो इंडिया गठबंधन का वहां पर एक तरीके से एक अच्छा असर देखने को मिला था और एक बड़ी जीत यहां पर सपा को मिलती हुई नजर आई थी। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का जो एक असर था वो उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिला है। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कुछ बैठक हुई है और इस पर क्या कुछ मंथन और विचार विमर्श किया गया इस बैठक में? चलू मैं बिल्कुल, मैं आपको साफ तौर से बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को दी है, बीजेपी का साफ तौर से कहना था कि चुनाव से पहले ही ये गठबंधन जो है टूट जाएगा, क्योंकि इनके जो नेता है वो आपस में ही सीटों को लेकर लगातार खींचतान मचाए हुए हैं। हालांकि राहुल गांधी की दखल अंदाजी के बाद ही समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन है वो पूरी तरह से तय माना गया है। उसके बाद ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने साफ किया था कि यूपी में कांग्रेस जो है वो उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और इसके लिए जो कांग्रेस है उसको 17 सीटें दी गई है। हालांकि कांग्रेस जो थी वो ज्यादा सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी 17 सीटों पर अपनी सहमति जाहिर की। कुल मिला के अगर माना जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का जिस तरह से दावा है कि वो एनडीए को एक मजबूत टक्कर देने जा रहा है, देश के अलग अलग राज्यों में मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो लगातार प्रचार प्रसार अभियान आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में लगातार जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव वो दावा कर रहे हैं और लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। उसके साथ ही कल राहुल गांधी की एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जो कल आगरा में शुरुआत होनी है, कल आगरा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो चलेगी, तो उसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव वो भी शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर कुल मिला के माना जाए तो इंडिया गठबंधन के तहत तमाम जो नेता है वो लगातार मजबूती के साथ अपना प्रचार प्रसार अभियान जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। अखिलेश यादव का साफ तौर से कहना था कि इस बार 80 में से ज्यादातर सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दल जीतने जा रहे हैं और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के दावे कर रही है वो सभी दावे जो है वो साबित सही हो, कितने सही है ये साबित हो जाएगा। हालांकि दूसरी ओर एनडीए है, एनडीए के सहयोगी दल है लगातार उत्तर प्रदेश में जो अपना प्रचार प्रसार अभियान है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अभी देखने वाली बात होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आएंगे कि तमाम दल जिस तरह के दावे कर रहे हैं उनके दावे धरातल पे कितने सही साबित हो रहे हैं। जी अनुपमा, बिल्कुल, रणनीतियां तो बनाई जा रही है लेकिन रणनीतियों का कितना असर होगा ये तो चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तब उसमें पता चल ही जाएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया उमंग तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है और अगर हम 2019 के आंकड़ों पर ध्यान दें तो देखिए 62 सीटें पिछली बार भाजपा को मिली थी, लेकिन इस बार किस प्रकार से 80 की 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की जा सके इसी को लेकर दिल्ली में ये मंथन हुआ है।